क्या आप फर्दर स्टडीज के लिए एब्रॉड जाना चाहते हैं? तो फिर सोचना कैसा अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलने के लिए एमट्रिक्स ओवरसीज कंसल्टेंट्स पर तशरीफ लाइए। यहाँ का सक्सेस रेशियो 99% है। यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूरोप में हमारे क्लाइंट्स स्टडीज के साथ साथ वर्क भी कर रहे हैं। आवर सर्विसेज फ्री प्रोफाइल एवेल्युएशन, पॉट लिस्टिंग ऑफ यूनिवर्सिटीज बेस्ड इन एलिजिबिलिटी, एप्लीकेशन प्रोसेसिंग, वीजा मॉक एंड गाइडेंस, फ्री काउंसलिंग एंड एडमिशंस एंड अकोमोडेशन असिस्टेंस। हमारा पता मातृश्री अपार्टमेंट अपोजिट जोडियो बशीरबाग रोड हैदराबाद। मोबाइल 9581987। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख अहमद अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, बोराबंडी की रहने वाली एक लड़की जो इंस्टाग्राम पर मैसेज किया करती थी अकबर नामी नौजवान से, और ये अकबर गौसनगर बलागोले का रहने वाला, इनकी दोस्ती सोशल मीडिया पर इंस्टाग्राम पर हुई, मैसेज चलते रहे और इसके बाद ये मिलने के बहाने लड़की को घर के बाहर बुलाया और उसको लेकर फरार हो गया। जब घर वाले ढूंढने लगे और इस लड़की को घर में रखकर जादू करने का इल्जाम है, इसके बाद से लड़की की हालत बिगड़ गई है, ऐसा लड़की के घर वालों का कहना है। वहीं के पड़ोसियों ने देखकर इनको इत्तला दी और बोराबंडा पुलिस के साथ आकर ये लड़की को वापस अपने माँ बाप के पास लेकर आए। अब लड़की के घर वालों का ये कहना है कि अकबर और अकबर की वालदा और एक शख्स, ये लोग जिम्मेदार हैं लड़की के इस हालत के, और जादू के नाम पर इस तरह से लोगों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ करते हैं, ऐसा इल्जाम लगाया और कहा कि पुलिस के आला अधिकारियों को इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, ताकि फिर कभी किसी लड़की की इस तरह की हालत ना हो, क्योंकि अकबर पहले से ही 3 शादियां कर चुका है। इसके बाद से ये चौथी लड़की थी जिसको ये लेकर फरार हो गया था। बहरहाल बोराबंडा पुलिस इस मामले में मजीद तहकीकात शुरू कर दी है। मिर्जा इकबाल वेब के साथ मैं शेख रहमत अली, क्राइम टुडे न्यूज़ हैदराबाद। मैं हफीसपेट में रहता हूँ, मैं कार डेंटिंग पेंटिंग का काम करता हूँ। ये हमारे सुतरे साहब है, इनका नाम अजीमुद्दीन है, इनो बावर्ची है। ये हमारी घर के पास से एक जना ले लेके चले गया बच्ची को भड़का के, अकबर नाम का बच्चा है, ले लेके चले गया उसको चार मीनार पे। वहां से लेके जाके यहाँ से, अस्सलाम वालेकुम, ये जो बच्ची को यहाँ से बैठो अपन यहाँ तक जाकेंगे बोल के ले लेके गया बच्चा, ले लेके जाके फिर यूसुफ बुड़े के आके क्या बोला कहते अब आ गए नहीं जाना, चार मीनार पे पकड़ के देख के क्या कि पढ़ के फूके कहते, और एक लेडीज थी पढ़ के फूके, उसके बाद बच्ची को याद नहीं है कहते, बच्ची खुद बोल रही मेरे को कुछ भी याद नहीं है यहाँ से, फिर मेरे को ले लेके जाके वहाँ पे क्या कि हल्का चल रहा था कहते, क्या कि पीर भाया कहते पूरे जने बैठ के थे, उसके हाथ पे मेहंदी डाले, मेहंदी डाल के करके गुड़े उड़े उतार के करके घेरा डाल के पूरा उसके ऊपर बिठा के करके करे कहते बच्ची को ब्लैक मैजिक कर रहे, समझ में नहीं आ रहा ऐसे लोग कर रहे कैसा, और बच्ची को 17-18 साल हो गए, 2 महीने हो रहा बच्ची को, बच्ची के साथ ऐसा बुरा हाल है, वीडियोस फोटोज है हमारे पास पूरा, बच्ची पागल अपना आप गल्ला मतलेरी मार लेने के वास्ते। बच्ची के ताल्लुकात पहले से थे या नहीं? अभी 2 महीने पहले इंस्टाग्राम पे मैसेजेस चल रहे थे कहते बच्चा आया आके बैठो अपन यहाँ तक कृष्णाकांत तक जाएंगे बोल के ले लेके गया, ले लेके जाके कृष्णाकांत कने आगे बढ़ते कि अरे कृष्णाकांत क्या है ना बोले तो नहीं नहीं अब आ गए नहीं जाना बोल के ले लेके चले गए थे चार मीनार पे, और एक जने को उनके आए गए थे पढ़ के फूक दिए उनके ऊपर। बच्चा कहाँ का रहने वाला है? बल्लागोड़ा गौसनगर। और ये बच्ची कहाँ की है? बच्ची बोराबंडे की, वहां से आके यहाँ पे। आप लोग मिसिंग बच्ची मिसिंग का कभी चला हुआ आप लोग को? 20 तारीख को।
तो फिर आप लोग को बच्ची के पास है तो कैसे चलाने की? हमारे दोस्त के जरिए मालूम हुआ, उनका एक रिलेशन वाला है, अल्लाह उसको हयात दो, अच्छा रखो, उन्हें बच्ची की जिंदगी अच्छी हो जाना, बल्कि उन्हें इत्तला दी दिया हमारे को कि भाई आपकी बच्ची फलाना यहाँ पे है, देखो इसके इतने शादियां होके इन्हें ऐसे गलीज घराने से लगा, इन लोगों ने आपकी बच्ची नको रखो, बल्कि देते कि डायरेक्ट घर पे गए बच्चे। बच्चा क्या ऑलरेडी शादीशुदा है? बच्चा दो बीवियां हैं, एक बीवी को पहले मार दिए, फिर दूसरी बीवी थी, दूसरी बीवी भी भाग गई, वो तीसरी बीवी से तीन बच्चे, दो बेटियां एक बेटा है, उसके बावजूद भी ये बच्ची को ले लेके भाग गए। क्या चाह रहे अब गवर्नमेंट से हमारे को? सही ये ऐसे उनको तो बाहर ही नहीं निकलना। और ये जो खालिद नाम का आदमी है, ये मेन जो जादूगर है, ये खालिद है। खालिद और ये बच्चे की अम्मा और ये अकबर तीनों मिलके काम कर रही है। और ये बस्ती में सब लोगों को डरा लेते तीनों के, भाई आप लोगों को ये कर देता हूँ, अगर कोई भी मेरे खिलाफ बोले तो मैं तुम्हारे को ये कर देता हूँ, वो कर देता हूँ, मिलकर बोल रहे थे। डरा ले कुबा कॉलोनी आठ नंबर गली में, आठ नंबर गली कुबा कॉलोनी। और एक जने कॉल करा था, उन्हें बोला मैं बच्चे का सौंदेला बोने हूँ, शुक्र मनाओ आपकी बच्ची आपके घर में पहुंच गई, नहीं कर नहीं पहुंचती तो क्या करते थे, मेरा शुक्र अदा करो, तुम बोल के बोल रहे हो, फोन मेरे को फोन करके बोल रहे। मेरी बच्ची को मैं बहुत नजाकत से लाड़ों से पाला, बच्ची घर के बाहर नहीं निकलती थी, सामान सौदे को भी नहीं जाती थी, अचानक चले गई बच्ची, घर के बाहर कभी निकलने नहीं दिया, मैं मेहनत मजदूरी करके कमाने वाला, मेरे को ऐसा करे तो कैसा? क्या चाह रहे हो? चाह रहा हूँ कि उसको सत्य सच सजा मिले, सत्य सच सजा मिले, उसको की सजा मिले, सत्य सच मिले, उमर खैद की सजा मिले। आप लोग कंप्लेंट करें यहाँ पर? हाँ कंप्लेंट करें। पुलिस वाले क्या रिस्पॉन्स दे रहे हैं? रिस्पॉन्स अच्छा मिला।